नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सिंपल सी रसोई में। आज मैं आपको लौकी और चना की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ये लौकी ली है और ये चना लिया है। आधी चूल्हे में कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, एक चम्मच करीब ऑयल डाल लिया है। आज मैं बिगर लहसुन प्याज की लौकी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी आपको। लौकी चना बिगर लहसुन प्याज के बहुत टेस्टी होती है। ये मैंने तेल लग दिया है, तेल गरम हो चुका है। अब मैं हींग डाल दी है। अब मैंने जीरा डाल दिया एक चम्मच करीब। अब मैं इसमें टमाटर और ये मिर्च मैंने काटी हुई है, 4 से 5 मिर्च काटी हुई है, एक बड़ा दाना मैंने टमाटर का काटा है। अब मैं इसको डाल दूंगी। मैं मसालों का पेस्ट बना लूंगी। एक चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है, एक चम्मच करीब मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, एक चम्मच करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और आधी चम्मच करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, आधी चम्मच करीब। और ये मैंने सब्जी मसाला डाल दिया, एक चम्मच मैंने सब्जी मसाला डाल दिया। अब मैं इसको एक पेस्ट बना दूंगी। मैंने पेस्ट बना दिया। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर, ये अब मैंने डाल दिया हुआ है। अब मैं तब तक उसको पकाऊंगी जब तक ये तेल न छोड़ दे। अब इसने थोड़ा सा तेल छोड़ दिया है, टमाटर नरम हो चुके हैं, तेल मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें लौकी डाल दूंगी, लौकी और चना डाल दूँ। ये मैंने लौकी डाल दी है, लौकी डाल दी थी, अब मैं ये चना डाल दूंगी। एक गिलास करीब पानी डाल दूंगी, बड़े गिलास से। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। ये मैंने ढक के रख दिया है। अब मैं इसको 3 सीटियां आने दूंगी, 2 से 3 सीटियां आने दूंगी, फिर मैं बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स, 2 से 3 सीटी मैंने इसको दी और ये बन गई है, रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।